रिजॉर्ट तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कई वैक्सीनेशन के मुद्दों को लेकर जानकारी भी ली। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो वहीं बता दें आपको कि प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया है और इसी तर्ज पर तमाम मंत्री अधिकारी लगातार जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी मंदसौर वासियों से अभियान से जुड़ने की अपील की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कोरोना महामारी को अपन ने बहुत नजदीक से देखा है और जिस प्रकार से अपन ने इस पे अंकुश लगाया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शासन प्रशासन की रही है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें सम्मिलित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रारंभ करके ये सुविधाएं जो अपन को दी है, वो अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है वो ही मजबूत अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में महाअभियान 25-26 अगस्त को जो होने जा रहा है। पहले भी जो हुआ था वो भी बहुत सफल हुआ और अभी जिन्होंने प्रथम डोज लगाना है एक तो वो, और जिन्होंने प्रथम लगा चुके हैं जिनको सेकंड डोज लगाना है वो समस्त साथी से निवेदन है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए आप 25-26 महाअभियान जो दिनांक है इसको अपना धर्म और कर्तव्य मानकर इस भूमिका निभाएं और जो वैक्सीनेशन है आप 25 और 26 को अपने सेंटर पे जाएं, जो जिन्होंने सेकंड डोज लगवाना है वो भी लगवाएं और जो प्रथम लगवाना है डोज उनको वो भी जाएं। आप जब ये डोज लगा लेंगे तो ये मान लेना कि आप अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए ये कदम मजबूती से उठा रहे हैं और मैं जानता हूं और मानता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के साथी पूरे मध्य प्रदेश और देश से प्यार करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं पुनः कि हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी जी शर्मा जी के नेतृत्व में जो अभियान जो चलाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि 25-26 तारीख को आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। वहीं इंदौर में चूड़ी बेचने वाले हसमीन को पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।